नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एग्जाम दीप। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताज़ा अपडेट के लिए। साथियों, आप सभी को पता ही है कि अपने केस की सुनवाई जो है 12460 की 26 मई में लगी हुई है, कोर्ट नंबर 2 में सीरियल नंबर 14 पर। देखो, सुनवाई की तो संभावना पूरी है, दूसरी तरफ टीम के द्वारा भी कोशिश पूरी की जाएगी, केस मेंशन कराया जाएगा। धरना आपको बताइए चल ही रहा है, आज 24 तारीख में धरना था, लगातार अधिकारियों से वार्ता चल रही है, मंत्री जी से भी वार्ता है। जैसे कोई अच्छा इसका संकेत मिलेगा तो आप सभी के बीच में टीम के द्वारा बता दिया जाएगा पोस्ट के माध्यम से। अभी धरना ख़त्म नहीं करना है, कल भी धरना रहेगा, कल इसकी जो भी है फाइनल बात आपको बता दी जाएगी। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई संकेत मिलेगा तो कोई भी अभ्यर्थी परेशान ना हो, इसका भर्ती का जो इंतज़ार था, इंतज़ार बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाला है और सभी अभ्यर्थी धरने में कल भी रहेंगे, इधर उधर कोई ना जाए, कल ही मेन दिन होगा वो, सभी अभ्यर्थियों को रहना है। और जैसे जैसे टीम अपडेट करती रहेगी, उन्हीं सभी की चीज़ों को, रूल को फॉलो करना है। जैसे कल पहले मंत्री जी के आवास पर बताया था, उसके बाद टीम के द्वारा बताया गया कि इको गार्डन में, तो इको गार्डन में जैसे आज अभ्यर्थियों ने किया है, सेम ऐसे ही शांतिपूर्वक धरना होगा, जहाँ पर टीम बताएगी वैसे वैसे करना है, अपने पास से कुछ नहीं करना है इसमें, टीम पूरा प्रयास कर रही है। तो साथियों, अपने कोशिश करते रहें, जैसे भी है तो कल इसका जो अधिकारियों से और उनसे वार्ता हो जाएगी, जैसे भी टीम के द्वारा बता दिया जाएगा। और परसों इसकी सुनवाई है, टीम के द्वारा वकीलों की भी और उनकी भी जो भी है, उन्हें अपना केस मेंशन कराना है, उन्हें सभी जानकारी है, सभी टीमें कोशिश कर रही हैं कि जल्दी से जल्दी केस का निस्तारण हो जाए। तो गौर से प्रे करते हैं कि कल कुछ सरकार की तरफ से जो भी है इंतज़ार रहा है लगभग 20 दिन का, वो समाप्त हो जाए, पता चल जाएगा क्या प्रपोजल में है, क्या या क्या करना चाह रही है सरकार भी। देखो, कैसे भी करे सरकार, कि बस यही होना चाहिए कि पद पूरे भर लिए जाए, और उस बात का सभी टीमों को समर्थन करना चाहिए। यदि ऐसी कोई न्यूज़ निकल के आती है उसमें ये नहीं है कि वाद विवाद में पड़ जाओ, फिर लंबा खींचेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो साथियों, यही हमारे पास में जानकारी थी, यदि कोई और जानकारी आएगी, अपडेट आएगी, तो हम भी आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताज़ा अपडेट के लिए। तो नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे ताज़ा अपडेट के साथ।